मेरे प्यारे मसीह भाइयों बहनों, आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु जब तक इस संसार में थे तो बहुत सारे लोगों को हेल्प करते थे, मदद करते थे, चंगाई देते थे। लेकिन पिता के द्वारा प्रभु यीशु को स्वर्ग में आरोहित कर लेने के बाद प्रभु यीशु ने हम लोगों के लिए एक सहायक भेजा, पवित्र आत्मा, जो हम लोगों की सहायता करते हैं, हमारे हर एक कार्यों में हमारी सहायता करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। वही पवित्र आत्मा हम लोगों से बातें करते हैं। कोई भी मुसीबत आने से पहले हम लोगों को बताते हैं, हमें अच्छे रास्ते पर लेके चलते हैं। वही पवित्र आत्मा बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में नहीं कार्य करते हैं, क्योंकि वे लोग पुकारते नहीं, उसको बुलाते नहीं, अपने जीवन में पवित्र आत्मा को बुलाते नहीं। इसीलिए पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवनों में कार्यों को नहीं करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ पवित्र आत्मा हर समय रहे, ताकि आपके हर एक कार्य सफल हो और पवित्र आत्मा आपसे बातें करे, आपके ऊपर आने वाले हर एक मुसीबत को दूर करे, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। और जब आप डेली सुबह सवेरे उठते हैं तो आप इस प्रार्थना को बोलिए, ताकि पवित्र आत्मा आपके साथ रहे और दिन भर के कार्यों में पवित्र आत्मा आपके हर एक कार्य को सफल करे। तो आइए हमारे साथ इन प्रार्थनाओं को बोलिए। अगर आप इन प्रार्थना को याद करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो लिख लें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन प्रार्थनाओं को सीखते हैं और बोलते हैं। आप लोग डेली इन प्रार्थनाओं को सुबह शाम जरूर बोलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हे ईश्वर के भले दूत पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि मुझे पिता परमेश्वर ने अपनी दया से आपके हाथों में सौंपा है। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु के दाहिने विराजमान पवित्र आत्मा जी, आपने ही प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिलाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ही हमारे रखवाला हैं, आप ही हमारे सहायक हैं, आप ही हमारी सहायता करते हैं, आप ही हमारी रक्षा करते हैं। आपने हमें रात भर संभाल के रखा, हर एक दुष्ट आत्माओं से बचा के रखा, हर एक बीमारियों से बचा के रखा। हे पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, जिस प्रकार आपने अभी तक हमें संभाल के रखा, उसी प्रकार इस दिन में भी हमें संभाल और हमारी अगुवाई कर, और हमें प्रभु की सच्चाई के रास्ते पर लेके चल, और अपनी सहभागिता हमारे जीवन में बना, ताकि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा होने पाए, और हमें बुद्धि और विवेक दे, और हमारे हर एक कार्यों में आप हमारे साथ रहें, ताकि हमारे हर एक कार्य सफल हो। हे पवित्र आत्मा जी, हम आपसे निवेदन और प्रार्थना करते हैं, और आपसे इन सभी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग इसी तरह से रोज सुबह इस प्रार्थना को उठते ही करें, तभी आपके जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य को देखने को मिलेगा और आपके हर एक कार्य सफल होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोग भी जान पाए और अपने जीवन में प्रभु यीशु की महिमा को देखने पाए। सबों को जय मसीह की।